नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। पिछले कक्षा में इकाई 3 में दूसरा पाठ मुरझाया फूल नामक कविता का परिचय किया। आज हम तीसरा पाठ दो भाई के बारे में पढ़ेंगे। दो भाई एक लोक कथा है। लोक कथा माने फोक स्टोरी। लोक कथाएं अक्सर रसीली है और सीख देने वाली होती है। दो भाई कहानी भाईचारे से संबंधित है। दोनों का प्यार, सच्चाई, देखभाल आदि के बारे ज्ञान इस कहानी से हमें मिलता है। तो देखिए पेज नंबर 51। दो भाई थे। बड़े की शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे भी थे। छोटा कुवारा था। दोनों भाई चाचा खेती करते थे। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांध लिया। अब गेहूं ढोकर घर ले जाना बचा था। रात हो गई थी, इसलिए काम अगले दिन ही होना था। रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। उन्होंने बारी बारी से खाने का सोचा। दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई थे। किसकी शादी हो गई थी? बड़े की शादी हो गई थी। बड़े भाई को कितने बच्चे थे? बड़े भाई को दो बच्चे थे। कौन कुवारा था? कुवारा माने बैचलर। कौन कुवारा था? छोटा भाई कुवारा था। दोनों भाई कैसे खेती करते थे? दोनों भाई साचा खेती करते थे। साचा माने पार्टनरशिप। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। वे किसकी खेती करते थे? वे गेहूं की खेती करते थे। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने क्या किया? इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। अब गेहूं ढोकर घर ले जाना बचा था। रात हो गई, इसलिए फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। उन्होंने बारी बारी से खाने का सोचा। कहानी का आशय इसी प्रकार है। दो भाई थे। बड़े की शादी हो गई थी। बड़े भाई को दो बच्चे भी थे। छोटा भाई कुवारा था। दोनों भाई साचा खेती करते थे। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। गेहूं तैयार करने के बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। रात हो गई, इसलिए गेहूं ढोकर घर ले जाने का काम अगला दिन ही होना था। रात में दोनों खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को भूख लगे थे, इसलिए बारी बारी से खाने का सोचा। सो स्टूडेंट्स, समरी ऑफ द स्टोरी। वंस देयर वर टू ब्रदर्स। द एल्डर ब्रदर वाज मैरिड एंड हैड टू चिल्ड्रन, बट द यंगर ब्रदर वाज अनमैरिड। The two brothers shared the farm and started wheat cultivation. Once the wheat was ready to harvest, the two brothers harvested and gathered wheat. They could not carry the grain to home because it was very dark at night. So they changed the job to the next day. At night they felt hungry and decided to go home for a bite to eat.
आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।